हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस व्लॉग को शूट कर रहे हैं जो कि कानपुर में शूट हुआ है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस मॉल इन कानपुर कॉल्ड रेवती मॉल। सो आज हम इस मॉल में चलेंगे और देखेंगे कि क्या कलेक्शन है आज हमारे मॉल में। और प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट करना। हम चलते हैं पैंटालूंस में। पैंटालूंस में मैंने मुझे ऑफ़र मिले हैं कि अगर मैं 5000 की शॉपिंग करती हूँ तो मुझे 5000 के वाउचर्स मिलेंगे। सो मैंने सोचा दिवाली की शॉपिंग के लिए क्यों ना हम पैंटालूंस में ट्राई करें, अगर हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो। अभी देखो, एंट्रेंस पे आपने देखा कि थोड़ा पार्टी वेयर एंड फेस्टिव कलेक्शन है, कुर्ती एंड ये जो आप देख रहे हो प्लाजो एंड पिंक कुर्ती, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। मतलब जो इसका कुर्ती का प्राइस है वो 1299 है, जो कि ठीक है अगर आप मॉल से ले रहे हो। क्वालिटी वाइज भी अगर आप देख रहे हो तो आई थिंक दिस इज़ अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छा है। एंड ये जो कॉर्नर है मेरे लेफ्ट साइड पर, दिस इज़ अ वॉच काउंटर जहाँ पर टाइटन, रागा एंड फास्ट ट्रैक, टाइमिक सारे ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सो देखते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो हम ले भी सकते हैं। अफसोस कि हमें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया, तो चलते हैं आगे। वेलीस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, एंड 799 एंड 1299 में काफ़ी कुछ वैरायटी थी, स्लिपर्स भी एंड जो मतलब आप देख रहे होंगे जितने भी ये कलेक्शन लगा हुआ है सिर्फ 799 एंड 1299 का है, काफ़ी अच्छा था। कुर्ती के पैटर्न्स, कलर्स काफ़ी डिफरेंट है, ग्रीन, पिंक, रेड एंड ग्रीन में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, लाइट शेड्स, डार्क शेड्स, कुछ प्रिंट्स भी हैं, चेक्स भी हैं, वैरायटी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। बट प्राइजेस वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत कम नहीं है, मतलब 1000 से नीचे आपको कोई भी कुर्ती नहीं मिलेगी, सब 999 या उससे ऊपर ही प्राइजेज हैं। बट हाँ, क्वालिटी वाइज बहुत बहुत अमेजिंग है। तो कलर वाइज अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। प्लस अभी तो ऑफ़र चल रहा है, तो आप, मैं डेफिनेटली बोलूँगी आपको कि आप प्लीज़ आओ और एक्सप्लोर करो। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आज यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही
कम लोग थे जिसकी वजह से मैंने एक एक चीज़ प्रॉपर शूट करी है. एंड बैग्स के लिए भी आप देख सकते हो, बैग्स भी बहुत अच्छे से थे, मतलब स्लिंग बैग्स थे एंड टोट बैग्स थे, ऑफिशियल बैग्स थे, लैपटॉप बैग्स काफ़ी अच्छे अच्छे थे, बट रेट वाइज थोड़ा ज़्यादा था. आउटफिट कुछ डिफरेंट थे यहाँ पर, जैसे पिंक वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इधर ब्लैक वन ये भी बहुत अच्छा था, एंड ये था 1299 से अबव थे जितने भी ऊपर लगे हुए हैं. दिस ब्लू वन काफ़ी अच्छे अच्छे थे, मतलब वेस्टर्न काफ़ी कुछ तो नहीं है अब समर का कलेक्शन मॉल्स में या मार्केट्स में, अब ज़्यादा कुछ विंटर्स आ गया है. बट हाँ, इसमें इस टाइम प्रॉफिट ये है कि अगर हम लेते हैं समर का कलेक्शन तो हमको थोड़े कम प्राइजेस में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, अच्छे पैटर्न्स मिल जाएंगे. तो इस टाइम समर का इतना छोटा सा ही सेक्शन है, बाकी पूरे में अभी विंटर कलेक्शन ही है. एंड ये रही मैं, शीशा दिखाने की मेरी सेल्फी स्टार्ट हो जाती है. एनीवेज, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट. ये हमारे लिए जैसे आपको लोअर टी शर्ट्स वगैरह की तरफ स्विच करना है, योगा पैंट्स चाहिए आपको या नाइट वेयर्स चाहिए तो नाइट वेयर्स भी लगे हुए हैं. नाइट वेयर्स 1299, अगेन इट्स 1299 से ही इनका स्टार्टिंग. मूव करते हैं मेन सेक्शन की तरफ, जहाँ पर डिफरेंट कलर्स मुझे देखने को मिले. जैसे वो ग्रीन कलर का जो ब्लेज़र था मुझे बहुत प्यारा लग रहा था. पीटर इंग्लैंड ब्रांड्स तो सारी मैक्सिमम अवेलेबल हैं, एंड यहाँ पर तो कोई ऑफर नहीं है अभी. एंड ये आप देख रहे हो जैसे ब्लू पर्पल कलर्स अवेलेबल हैं, इनके लिए भी स्वेट शर्ट्स हुडीज़ वगैरह भी हैं. एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था. दिस वाइट कोट वैन हसैन, सारी मतलब प्रिंट्स चेक लाइन सारा कुछ अवेलेबल है. सो आप यहाँ विजिट कर सकते हो नियरेस्ट स्टोर, आपको अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे. मुझे कुछ डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम ट्राई करने थे, तो मैं देखती हूँ अगर कुछ मुझे अच्छा फ्रेग्रेंस दिखेगा तो मैं डेफिनेटली उसको लूँगी. सो लेट्स ट्राई. तो मुझे फाइनली एक अच्छा लगा है यूनाइटेड नेशन का, जो कि मैंने ले लिया है, एंड वो है डिओड्रेंट. यस, दिस वन अमेजिंग फ्रेग्रेंस गाइस, बहुत ही अच्छा है. सो अब हमने फाइनली सारी शॉपिंग कर ली है, एंड ये किड्स कॉर्नर है जो कि हमेशा से फेवरेट कॉर्नर होता है. एंड यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी थे. इसमें मैंने एक्सप्लोर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था, तो बस मैंने आपको एक सेक्शन दिखा दिया है. सो अभी हमारी बिल काउंटर में बहुत ज़्यादा रश है, तो इसलिए मुझे नेल एक्सटेंशन भी कराना था. उसके लिए मैं एक अलग व्लॉग डालूंगी, तो उसके लिए हमें पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. तो चलो अपॉइंटमेंट लेते हैं. फाइनली अपॉइंटमेंट डन, बिलिंग डन. सो अब बिना कुछ खाए पिए कैसे जा सकते हैं. सो लेट्स ऑर्डर समथिंग, एंड चेकिंग कराना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने थोड़ा सा सैनिटाइजर लिया, एंड लेट्स हैव समथिंग डिलीशियस. कुछ बोलो ना.
कुछ नहीं यहाँ पे कलेक्शन बिल्कुल नहीं होता। नहीं नहीं कलेक्शन तो बहुत अच्छा था, आपको पसंद नहीं आया ये आपकी फॉल्ट है। यस सो चलते हैं घर। घर घर नहीं, हम अभी हम करेंगे स्ट्रीट फूड में चटोरा बन। ठीक है, क्या क्या खाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी हम हैं स्वरूप नगर में एंड गाइस दिस इज़ अ वेरी फेमस चाट हाउस इन स्वरूप नगर, दी चाट, जो कि मेन चौराहे पर ही पड़ता है। एंड इसकी चाट OMG, चाट एंड गोलगप्पे मतलब बहुत डिलीशियस होते हैं। और कोई कानपुर आए और यहाँ ना आए सो उसका कानपुर आना ही बेकार है। सो लेट्स हैव समथिंग। विज़िट करना था कुछ परचेज करने के लिए, मेरी फ्रेंड की वेडिंग है तो उसके लिए हमें उसके फर्स्ट फंक्शन एंगेजमेंट के लिए कुछ खरीदना था। सो अंदर चलते हैं देखते हैं कुछ अच्छा सा कलेक्शन। वाओ मुझे इसमें से 2-3 बहुत प्यारे लगे बट ये लोग वीडियो नहीं बनाने दे, फिर भी मैंने कुछ कैप्चर किया है आपके लिए। एंड दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।